अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारे मरण सके मेहमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिहत तुम्हारी सहज सुहाए। दर्शन पर से गुरु जन्म मरण दुख जाए। दर्शन पर से गुरु जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। शास्त्र सिमरत वेद चार मुखाकर बिचरे। तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे। शास्त्र सिमरत वेद चार मुखाकर बिचरे। तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु साहिब जी दे साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जी। आप सरबत संगतां सरबत माई भाई गुरु दियां बख्शां दे पात्र शामां दे भगत सजे हुए गुरु दरबार विच हाजर हुए हो। गुरु दरबार च बैठिया संगतां अथवा राज रेडियो राही इस रेडियो दे माध्यम राही दूर दराडे देशां प्रदेशां विच बेअंत रस मान रहीआं संगतां सारे श्रोता जनां नूं बेनती है कि मन दी एकाग्रता दामन कछौतियां पैदा करदी है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र जी सतसंगत विच आ के सारिआं नूं लाहा नहीं प्राप्त हुंदा। जिहदे अंदर श्रद्धा भावना निर्माणता है सावधानता मन दी एकाग्रता है उहनूं लाभ प्राप्त हुंदा। हुणे हुण आप जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दी अमृतमयी बाणी उन्हां दी रसना तो उचारण कीती हुई टकसाल दे ज्ञानी महापुरुषां दे कोलों कथा दे बोल श्रवण कीते हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दी जो रचना है 52 कवि उन्हां कवियां दे श्रोमण भाई नंद लाल सिंह दोवें हथ जोड़ के खड़े हो जांदे सी सतगुरु तेरी तेज दे कमाल तां जग विच है ही पर तेरी कलम दे कमाल है एक एक सवैये विच चार चार चुकां दा इतिहास लिखा हो। दुनिया दा कोई विद्वान कलगी वाले सतगुरु दा किसी पक्ष च भी मुकाबला नहीं कर सकता। मिसाल दे तौर ते मौत प्रकरण ते सवैया लिखदे सवैये दीआं चार लाइनां नूं एक लाइन विच युग पुरशां दे कई कई दे नाम अतर परा सरनार दसार दजास दयाद जिथे मन पाए गालब आद अनंत मनीसर ब्रह्म होते नहीं जात गलाए अगस्त पलस्त विशिष्ट से याद न जान परे के देश सदाए मंत्र चलाए बनाए महामत फेर मिले पर फेर न आए। कौन ऐसी रचना कर सकता है। एक विद्वान उदासी साधु संत बाबा ज्वाला सिंह जी दी संगत करके गुरु नानक दे चरणा च पलटा खादा और फिर वक्त अखीर पिछली उम्र दा हिस्सा अमृतधारी त्यार प्रचार होके स्वास सफले कीते। आर्य वैद्य दे बहुत वड्डे आचार्य सन मेरे इलाके च रहिंदे सी। ऐसी सुंदर एक बात एक दिन दसी जिंदगी दा नचोड़ कहिंदे मैनूं कोई बिना दसे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी रचना चों
कोई लिया के शब्द मूहरे रख देवे ते मैनू कहे परखना करो भी किस दी रत्न। कहते मैं उस वेले दस देंगे कि आ गुरु गोबिंद सिंह की रत्न। मैं पूछा महापुरखो क्या अंतर जामता है तुहानू? कहते नहीं, मैं काव्य विद्या का भी विचारी हाँ। जिहड़ियां मात्रा जिहड़े तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वरतियां वह किसी कवि ने नहीं वरतियां। इस करके उन्हां दी रचना विचों मैं खोज कीती है जाप साहब सवैये चौबी ते ये सारी उसे तरह दियां लगा मात्रा वरतियां होईयां ना। उन्हां दी काव्य रचना दी इक खूबी है आम कवियां दे नालों, इस करके वक्री पहचान है। सतगुरु कृपा करन और स्पष्ट कीता सतगुरां ने कि दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना ना है प्रभ। कादे वास्ते? खालसे दे अंदर भी रस भरन वास्ते धर्म युद्ध के चाहे पुराणक कथावां मारकंडे पुराण की कथा है सारी चंडी की बार जड़ी चंडी चरित्र सारा मारकंडे पुराण की है और नाल अध्याय दस दिन केड़ी अध्याय दा लथा हो रहा। इस करके जेड़े गुरमुख जन हैं वह सतगुरां दे इस आसे नूं जानदे है। जेड़े भाई शंकावादी मत है वह तां एक गुरमुख की कही गुरमुख ही कहना बनता है ना, मन कहते चंगे नहीं लगते। वह कहता जे गुरु साहब सामने आ जाना मेरे कहना मैं ताम नहीं मनता। आप हुण सुनिए नवी खोज, वह कोल बैठा जी एक सिंह कहता मैनू ऐ दस भी तेरे वास्ते रह गए गुरु साहब तेरे कोल आउणगे। ते ऐसे मनमती लोग न जेड़े दृढ़ इरादे नाल कहिंदे भी जो मैं कहना गुरु नूं तां भावें मरा लां पर गुरु दी नहीं मनदा। सतगुरु कृपा करन तुहाडे ते फिर भी बहुत कृपा है। बड़ी प्रसन्नता मिली है कि पिछलियां सालां नालों तुहाडी कथा दे विच उत्साह है, अगे नालों तुहाडी गिणती वध है और प्यार विच वाधा होया। इस दे लई प्रबंधकां नूं और आप लैस्टर दियां संगतां नूं मैं बधाई भी देना कि ज्यों ज्यों 300 साल नेड़े आ रहे गुरु तक दी दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा शब्द गुरु दे नाल त्यों त्यों प्यार दियां पीढ़ियां गन्ना पै जाणियां चाहीदियां। साडा सब कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वध तों वध सब तों वध जे सत्कार सिख ने करना है तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा करना है। आओ, सत्कार दा अर्थ कला मत्था टेकना ही नहीं, ये भी सत्कार दा एक अंग है, पर सत्कार है जी सतगुरां दी बाणी दे उपदेश नूं धारण करा। उपदेश धारण तां होएगा जी अर्थ समझ आउणगे, अर्थ समझ तां आउणगे जे सतसंग जी बह के गुरबाणी की कथा सरवण करोगे। आओ मन मिलतियां कागर करो, श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन शब्द श्री रागदा जी दे तीन पक्ष सन। एक शब्द पहला पक्ष सी नाम दी विशेषता, जिन्हां ने जपिया उन्हां नूं की मिलदा है किवें किवें मिलदा है। चार पौड़ियां कलाब जी ने सरवण कीतियां कि अगलियां चार पौड़ियां उन्हां दा कट्ठा एक प्रकरण ते एक पौड़ी दे विच फिर निचोड़ है सिद्धांत विच। यह दो पक्ष शब्द अज आप जी सरवण करोगे। एक पक्ष आप जी ने कल सरवण कीता कि उहदे विच नाम जपण वालियां दी ते नाम दी विशेषता वर्णन कीती। गुरमुखा का वर्ण है जिहड़े नाम जपण वाले गुरमुख नाम जपो मन तेरे। हुण मनमुखा का करतब दसदे आ जिहड़े नाम नहीं जपदे जिन्ने मर्जी वह कर्म करन नरकां नूं जाणगे। उहदा वेरवा चार पौड़ियां च गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे लगे न। आओ सुन हर कथा उतारी मैं। कथा कादे वास्ते सुणदे आ? जन्म जन्मात्रा की राग द्वैष की काम क्रोध की अंतकरण नूं मैल लगी होई ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਾਦਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਚਾਰ ਮੁਖਾ ਕਰ ਵਿਚਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇ ਹਨ, ਛੇ ਘਰ, ਛੇ ਗੁਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹੀ ਆਚਾਰੀਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ। सांख न्याय विशेक उर मासा पतंजल और वेदांत। वेदांत शास्त्र बारे इशारा किया महाराज ने पूछा सतगुरु इन्हां छिया शास्त्रां च गुरमत अनुसार कोई शास्त्र है?
जिद ते निश्चय किया जाता हो मत गुरु की मत अनुसार थोड़ी मत अनुसार है। महाराज कहते हां बाबा जय कर करते कीरत हो सो कर राख वडाई तो गुरु सिखो तुसी जिद नरोल ही करते की कीरति है वह कि है कहते वेदांत शास्त्र है। वेदांत अर्थ की हैं वेदांता साविदंता जिन्हों लोगों वेदांत बारे ज्ञान नहीं। मैं कई बार कहते सुने कहते जी साडा की वास्ता वेदांत नाल। मैं एक भाई नूं पुछा भी इहदा अर्थ जानदा की कह दिता तैं कहिंदे जी की अर्थ है। मैं कहिंदा सिद्ध ही अर्थ भी साडा की वास्ता ज्ञान नाल वेदांत दा अर्थ ही ज्ञान है। वेद दे अंतरे कांड विच ज्ञान कांड है इस करके उन्हों वेदांत कहा जाता है ज्ञान नूं वेदांत कहा जाता है। गुरबाणी दे अंदर बेअंत वेदांत है काहेरे बन खोजन जाई ऐसा वेदांत है यानी निरोल ज्ञान नूं वेदांत कहते हैं अखर कोई कौन। सो इस करके इन छे शास्त्रां दा एक दूजे नाल टकराव है। कोई कर्मवादी कोई कालवादी कोई ऋषरवादी अनंत प्रकार दे एक ऐसा शास्त्र है जिहड़ा मनदे ही नहीं कि ईश्वर है। कोई अनिश्वरवादी है वो कहिंदा अन्न अन्न ते होत है अन्न तो अन्न पैदा हुंदा है घास घास ते होत घा घा तो पैदा क्यों मनुख मनुख ते और न करता कोई करता नहीं निश्चरवादी। ते इस करके कोई ऐसा पंडित जी कहते शास्त्री खट शास्त्र पढ़िया हो सिमरतियां दे बहुत घाटे वादे हो चुके हैं पुरातन गिणती सताई है सताई सिमरतियां पढ़िया हो वेद गिणती विच चार हैं शाम वेद है ऋग्वेद है यजुर्वेद है अथर्वण वेद है चारे वेद छे शास्त्र सताई सिमरतियां मुखागर विच गुरु अर्जन साहब पातशाह कहिंदे मुख दे अगर भाव रसना ते यानी कंठाकार वृत्ति इतनी तगड़ी होवे कहिंदे ओनू सारा कुछ जवानी कंठ होवे चारे वेद छे शास्त्र सताई सिमरतियां जवानी कंठ हो ते एडा वड्डा सिमरति दा खजाना ओदे कोल किसे कोल मन लो भी ऐसा होवे तपे तपे सर जोगिया तीर्थ गवन करे ते तपी कैसा होवे तपस्या करन वाला धूणियां तापदे है जल धारे करदे है तपस्या तीन प्रकार दी श्री गुरु नानक प्रकाश विच गुरु साहिब जी ने वर्णन कीती है तमो गुण तपस्या धूणियां तापना जल धारे करने तमो गुण तपस्या ए योगी नूं काम ते क्रोध दोने बढ़ जांदे है लाह दे थां ते घाटा बहुत पैंदा है। इहनूं कहिंदे ने बर्मी मारी सापना बर्मी कुट रहे हैं सब बर्मी दे विच वड़िया बैठा है मारे कहते बर्मी का की कसूर है जिन्होंने डंडे मारते हो जो कुछ किया सो मन किया यह देह की बर्मी दे विच है। गुरमत का सिद्धांत है कि मन समनाज समझावन करने कशोक पढ़ी है गया ते वो बहुत सारे तप करने वाले तपीसर लोग जेड़े ने दिखावे वास्ते बड़े धुनिया तापते हैं जल धारे करते हैं कई बार तो अखा वेखण भी ऐसे चमत्कार मिलते वाहगुरु की कृपा करे ते लोग दिखावे वास्ते धुनिया तापनिया। फतेहगढ़ साहब की धरती विच सरहंद दे लागे उत्थे एक बहुत पुरानी बात है तकरीबन है 81-82 दे लगभग की बात मेनु लगती है ते वो आके तपीसर जो पातियां कठियां कीतियां ते साढ़े पिंडों भी एक गड्ढा पाथियां दा गया रंधावे तो भी ते वो भाई उजागर सिंह साढ़े प्रधान जी गुरुद्वारे दे प्रधान साहब कहिंदे कहिंदे मैं भी पाथियां दे के आया उत्थे मैं कहा चंगा कीता मैं जहाज के क्या उन्हें शक पैगी कहते क्यों मैं कह जिहड़ियां पाथियां दे नाल साध सड़ेगा ये दुगनिया होके तेनू दस गुणा तेनू मिलणगियां फिर तेनू साड़नगियां ये लंगर दियां रोटियां पकाउण वास्ते तां नहीं दे के आया ज्योंदे नूं फूकण वास्ते दे के आया तेरा दान वधूगा दस गुणा कहिंदा ओ वाहिगुरु 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 कहिंदा जी बहुत बड़ी भुल होगी मगर पुछ तां लैंदा तूं कहिंदा जी हुण तां हो गया मगर चल गाहां नूं ध्यान रखी आगे समझ चलो नंद जेड़ दा महीना धूणिया तापिया जी साडे इलाके च पीरी पै गई उहदी साध जड़ामां वाला साध बीबियां तां गड़बियां दुध दियां स्यो तां बैठे दी पूजा लगी होण हौली हौली एक दिन ऐसा आया
मैं उत्थे दी लंघिया जांदा सी, जांदे जांदे नूं मैनूं आवाज मारी, उहदा नां सी नछत्तर दास। मैनूं कहिंदा बाबा जी रोकियो। मैं कहा हां जी दसो। मैं खड़ा खड़ी कहिंदा मैं दसो जी। कहिंदे रुकदा जाओ। मैं रुकिया। कहिंदे अंदर आओ। उठ गया जी। मैं कहा मैं तेरे कोल बैठूंगा, तेरे जिहड़े गाहक नूं ना होर वाधा होगा वी हरी सोई बैठा सी उत्थे। मैं क्यों आवां तेरे कोल? कहिंदा बाबा जी गल तां सुन लो। मैं कहा सुना। कहिंदा गर्मी दी रुत्त है, सकंजमी पी लो, नींबू पानी पी लो, बहुत जेड़ दा महीना तपिया, अठ मील तुर के जाना सी, बस नहीं सी मेरी। मैं कहा संत जी मेरा घर 8 किलोमीटर है सारा, तुसीं इत्थे पूजा दी सकंजमी पियोगे, मैं अपने घर दी धर्म गिरदी पियूंगा जाके, वी की फर्क की पैण लगे मेरी जान के। बाहर तो फड़ लिया। कहिंदा जी इत्थे बैठो बलगे। मैं कहा तू साध है, मैं गृहस्थी है, मैं तेरी बलगे तेरी बह सकदा, मैं हेठां बह जांदा। कहिंदा जी नहीं इत्थे बैठो। मैं पैनी बैठण लगे। कहिंदा सराहणे बिठाउणा है। मैं कहा संत जी ये तां अनर्थ करदे आ, मैं महात्मा तो सिखिया भी साधु का सत्कार करना चाहे भेगी होवे, मैं ही मैं तां मैं क्रिश्चियन हां। वो कहिंदा सराहणे दे ही चक। मैं कहा भी वो कहिंदा बिठाओ सराहणे। मैं कहा सराहणे ने रौला पाया। मैं सराहणा चक्किया, विचों सोलन की बोतल निकले शराब की, सच्चा वचन है महाराज की हजूरी, जद निकली शराब की बोतल, तेरा बिड़ा गर्क हो जाए वे साधा, तू लोगों नूं धोणियां तापदा, आ की कर रहे हैं तू? हाथ बन के कहना देखी कि स्टेजा ते रख दी, पर मैं देशा प्रदेशा घुमा उत्त भी कहा करूं भी यह जे साध भी है। तू ये करा की रहता है? मेरा जी करे भी साध दिया जड़ा पड़ना फड़ के, मेरे गुस्सा आ गया, थोड़े खून आले गुस्सा ज्यादा आ जाता। तो मैं कहा भी दस भी मेरे क्यों बुलाया सी? तै मैं कहा जे किसी होर ने देख लिया, कह लगे भी एक बोतल से दो साध बैठे से उत्थे, मेनू तो अपनी काली लग गई, तू इसे मेनू क्यों बुलाया? कहिंदा बाबा मैं आत्मा मैं साध हो गए क्यों पीना? परन घर अज तो गुरु नानक नूं जाण लग गए तो पीना। कहिंदा मैं तां छड्डदा। मैं फिर रुकावट की आ? कहिंदा शराब नहीं छड्डदी मैनूं, इहो दे वचन। ट्रक लंघिया सी शराबी दे उत्ते, लत्तां टुटियां फिर उसदी। मैं उहनूं कहा भी मैनूं क्यों बुलाया जांदे जांदे? कहिंदा मैनूं कीर्तन सिखा दे, सिद्धा कीर्तन। मैं कहा इहदी की लोड़ पैगी? कहिंदा इहदी मार्केट ज्यादे आ वां। तेरा भला हो जाए जे व्यापारी दा, इस करके अजे तपिया गुरु अर्जन साहब कहते की होगा जे तप भी कर लिया। तपिया का तपीसर, तप जमा ईश्वर, तपिया का गुरु बन जाए भावे तपे तपीसर जोगी आ, जोगी बन जाए। बड़े बड़े जोगी तुरे फिर है, तीर्थ गबर करे, तीर्था से नहा भी फिर, ऐसे कर्म भी कर लवे। खट कर्मा ते दुगड़े, पूजा करता नाए। खट कर्म जेड़े सास जी वेद पढ़ना ते पढ़ाना दो तय हो गए, दान देना ते लेना ते यग करना ते कराउना, ये दो दो दा जोटा है दा बड़ा, इहनूं कहिंदे ने खट कर्म। खट कर्म ते तुकणे, इशनान संध्या, इशनान होम जप अथित पूजा देव अर्चा, छे हो गए, छे ते छे 12। कहिंदे इन्ने कर्म भी करदा होवे ते नहा के ठाकरां दी पूजा करता, अनमे रीत है, ठाकरा की पूजा भी करता हो गए, ये भी भावे सब कुछ कर ले। रंग न लगी पार ब्रह्म ता, सर पर नर के जाए। यदि के आखो सतनाम श्री वाह, आ सब कुछ जो गिने। सतगुरु महाराज साहब जी कहते शेष शास्त्र 27 सिमरतियां, 4 वेद, तप करना, तीर्था ते गवन करना, खट करना ते दुगने कर्म, सब कुछ कर लिया, रंग ना लगी पार ब्रह्म, पर परमेश्वर दे नाम दा भगती दा रंग नहीं अजे लगया। महाराज कहिंदे सर पर जरूर ही ये मोहर लाती गुरु साहिब ने, सर पर नरके जाए, नरकां दे कीड़े नरकां नूं चले जाणगे नाम तो बिना। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगण विस्थार, ते राज प्राप्त हो जावे, क्योंकि दानं परापूर मेण पुचंते बहिपते विपरीत उद्यम मारत लोकै नाम तिरंका दुख हो गया। ये जड़े बड़े बड़े मिनिस्टर देखते हो, बड़े बड़े राजे देखते हो, ये पूर्वला दान किया हो फल रहा इन्हां नूं, पर अगे की फलेगा? विपरीत उद्यम मारत लोकै, इन्हां दी बुद्ध उल्ट हो गई। धर्मी राजे कोई राजे जनक वर्गे ना रहे, फिर की होगा? नानक चरणकाल दुख हो गया थे, नरकां दे चरणकाल तपो राज, राजू नरक हो जाएगा। इस करके सतगुरु महाराज साहिब जी थे प्रमाण करते हैं, राज प्राप्त हो गया किसी नूं
ਤੇ ਮਿਰਕ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰਾ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਗਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਾਰ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਮੋੜ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ऐसा भी कोई इंसान मनुख होवे रंग तमाशे बहु विधि चाहे लग रहा अनेक प्रकार दे नाटक चेटक जेड़े ने ड्रामे आदि मुजरे आदि ते उन्हां दी थां ते हुण फिल्मां उही चीज है भाई रंग तमाशे बहु विधि ते बहुत विधियां करके चाहे लग रहा उन्हां दे च चा लग रहा है तुसीं अज देखो नौजवानां दी हालत टेलीविजन दे मूहरे दो घंटे दी ढाई घंटे दी फिल्म होवे ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚਮਕਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਡਿਗੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਲੈ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਈ ਜੇਕਦੇ ਆ ਜਾਣ ਸੰਗ ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਾਟੂਗਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਸ ਜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਨ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਨਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਪਾਰਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲੇਗੀ ਸੱਪ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਪ ਕੀ ਜੋਨ ਗਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਸਵਾ ਤੁਹਾਰੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਆ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤ ਚਲੇ ਕੋ ਹਾਰੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੰਨ ਉਸ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਾਰਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇਵੈ ਬਸ ਹੈ ਕੋਟ ਪਚਾਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਧਨਾੜ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਯੁਗ ਚਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਖਾਇਕ ਹੈ ਜਸ ਕੀਤ ਜਗ ਦੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਏ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਬੇਅੰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਾੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਝੂਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਵਿਤ ਸੁਭਈਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ
जेडे कारण बचे बागी हो रहे उन्हां कारण लभ के अमेरिका दे विच उत्थे एक बार उन्होंने एक सेमिनार कराया ते ओदे विच विशा रखिया भी नौजवान खुदकशी कर करके मर रहे हैं ते ओदे ते एक इंडिया तो बहुत बड़ी डॉक्टर बीबी आई जेड़ी ने लैक्चर देना सी ओदे ते उदो पहला कथा दा टाइम सी दास साहदरी पढ़ रहा सी ते मैनू प्रबंध कहिंदे बाबा जी अज कथा दा विशा भी यही रखिया जावे बाकी तुहाडी मर्जी है मैं कहा भी कोई बात नहीं जो गुरु कृपा करावे गुरबाणी दे आधारित भाई गुरदास की रचना अनुसार जो गुरमति विचारधारा विच इह सी मैं एक तुक गुरबाणी दी लै के भी आत्म घाती है जगत गुसाई इहदे ते मुढ बन लिया बाद दे विच डॉक्टर साहब ने बोलना सी वो बीबी बाच कहण लगी कहिंदे भी जो कुछ गुरबाणी दे आधारित सुन लिया वो सुन के हुण मैनूं इंज लगदा है भी मेरे को कुछ भी नहीं रहा सुनाउण वास्ते ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪੀੜਾ ਸਹੇ ਜਣੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਪੀੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਤੋਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਇਹ ਚਪੀੜਾਂ ਮੁਕਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਮਾਰ ਖਾਈ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋ ਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਬਾਤ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਾਤ ਵੀ ਆਏ ਸਮਾਨ ਚਲੇ ਜਿਨਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪੂਜਿਤ ਲੋਈ ਰਾਜ ਭੂਤ ਅਜੀ ਛਿਨ ਮੈਂ ਬਨ ਕੋ ਨਿਕਸੇ ਜਨਣੀ ਗੌਰ ਹੋਈ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਉ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁਰ ਕੋ ਹਰਜੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਤ ਗਹੇ ਕਰਮੇ ਪਦ ਦੋਈ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਕ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਧਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਫੁੱਟਦੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਇਕੱਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਗੇ ਲਸਕਰ ਤਰਕਸ ਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਲਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਪੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰ ਸਿਕਸ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਕਸ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜਨ ਸਾਤਰ ਦੀਤ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਨਾਮ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਖੜ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਆਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿੰਦਰ ਕਿਛ ਨਾ ਕਿਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ
बीमारी कोई नहीं, तंदुरुस्ती है। असि गुरुद्वारे कहते जाना, ये मतलब बीमार जान गुरुद्वारे, हस्पताल है वो। कई पुछो भी भाई तू गुरुद्वारे नहीं जाता, कहते जी असि पाप थोड़ी करते हैं, यदा मतलब बे गुरुद्वारे पापी आते हैं। एक पुरुष का ऐसा महापुरखा ने साखी भी लिखी है, कहते उन्होंने कहा भी भाई चल, कहते कद नहीं जाना, कहते नरकों नू जान तो बच जाएगा, कहते जो नरकों की बारी तेरी पूछ फट लो, उन्होंने पशु बनाता बंदे की पूछ थोड़ी होंगी लगी हुई। इस करके मनमुखा नालों त्रुटी भरी, जो प्रभु किए भगते बाज तिन ते सदा डराने रही है, डरते रही है ऐसे लोगों के कोल, जेड़े भक्ति तो तोड़न वाले ने, नाम तो तोड़न वाले ने, नाम का चिंतन। आगे भाई साहब का जीवन देखो, भाई रणधीर सिंह जी का, अपने अपने महापुरखा ने तो चलो सारी करते हैं, पर गुरमुख सारे दे साझे होंदे ने गुरु प्यारे। लगातार कई कई घंटे वाहगुरु शब्द की आवाज, अर जो कि अखंड कीर्तन करते भरिंड वर्गा लाल मूह हो जाता सी भाई साहब का, जिन्होंने कोल बैठ के सुनिया साध सिंह जी, उन्होंने जथे दे विच पंजां प्यारियां दे विच रहे गुरु प्यारे संत कृपाल सिंह जी बड़े बचन सुनाउंदे सन। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरख जथे वाले सिंघां ने पुछिया, महाराज नाम की अवस्था की है आप जी की? चुप कर गए, कहते महाराज चुप कर गए, कहते गुरमुख कदे रसना ते निश्चय नाल मैं कदे झूठ नहीं बोलिया, पर जिथे किते सच बोलन का नुकसान हो तो चुप ही करी देना। कहते जी नुकसान वाली की बात है, कहते अपनी अवस्था अपनी रसना दसना एदो वड्डा नुकसान होर की होगा भाई, अपनी वड्याई आप कर लेनी एदो वड्डे पुन नष्ट करने वाली होर साधन की होगा। बड़िया बड़िया साखियां, अपनी वड्याई आप नष्ट कर दो स्वर्गों तो सिटे गए, ऐसी साखियां। महापुरखों ने कहा महाराज भी ऐसी बात नहीं, तुहानू तां होमे नेड़े नहीं आ सकती, भी साडे भले हित। कहते अच्छा फिर मैं सच तो दस देना, पर पांच सिंह मेरी अरदास कर भी मेरी अवस्था नूं फर्क ना पै जाए अज तों बाद। फिर भी यह निश्चय रख गया, कहते जी ठीक है असीं पांच सिंह अरदास करांगे कि तुहाडी अवस्था नूं फर्क ना पवे। महापुरख साहिब जी वचन करन तों पहलां अखां तों नीर रलिया, विराग विच आ के कहिंदे गुरमुखो भी तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह दा सरूप जाण के मैं अपना हिरदा खोलण लगा जिहड़ा अज तक कदी खोलिया नहीं। कहते जिस दिन मैं अमृत पान किया पंजां प्यारियां तो उस दिन तो लैके अज दिन तक कहते गुरमुख कदे सुत्यां नूं भी नहीं विसरिया, कहते जागदियां नूं तां विसरना की है, गल के आखो सतनाम सेवा। ऐसिया ऐसे महापुरख कमाइया वाले ते धेले धेले दे बंदे होण ते उठ के कहण जी उहदा बामणे वार दा प्रचार करदे सी, ते खौसड़ां दी कसर भी तां होर की है साध सिंह जी। आप न देह चुरू पर पानी इह दिंदा जे गंगा आनी, नाम सिमरन करन वाले दा पख वखरा है। नास्तक बंदा कथा सिख लवे फिर तुहानू नाम जपाऊगा, वह कथा दे विच इह फर्क है। आप जपै अबर है नाम जपावै, जिहड़ा जपदा है उही जपाउण दी गल करे, इह महाराज साहिब दा विधान गुरमत दा है। सो आओ महाराज साहिब जी फरमान करदे, काया रोग ना छिदर कछ, शरीर नूं कोई रोग ना होवे, देह रोग होवे ते ना ही कोई वाय पित कफ, ये वैद को पढ़े हुए जड़े वो जानते हैं, ये भी कोई दोष ना होवे ते ना कुछ काड़ा ना झोरा होवे ना सोग गम होवे ते कोई भी काम फिकर आद ना होवे। मृतना भी चित तिस ऐस को गै भोग, ते फिर उस नूं मृतना आवी चित तिस, मिनट जे ढाई दिन रहिंदे सैटी साहब खड़े हो गए, मेरा जी करदे भी कथा बंद करदा, पर टाइम अजे रहिंदे, टाइम कहिंदा भी पूरा टाइम कर। इस करके मैं बजुर्गों नूं बेनती करदा जी, भाई जान मेरे मन ते प्रभाव जा पई जांदा कि मैं गलती तो नहीं कर रहा। अच्छा सत वचन, मेरे तो ना आवी चित तिस, कहिंदे उस नूं मौत चेते ना, मौत भुल गई होवे किसे नूं बहुत बड़ा दोष है। मेरे तो ना आवी चित तिस ऐस भोगै, दिन रात भोगां दे च लग्या होवे, सब किछ कीतो ने अपना जीए ना संक धरिया, सब कुछ अपना बना लिया होवे जीदे च कोई शंका नहीं धरदा, जितना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस, जे वाहिगुरु दा नाम चेते नहीं आया तां जमां दे कंकर दास ओनू पकड़ के नरकां च सिट्टणगे लिजा के, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ए नौवां सास जी पद है। हुण तीसरा पक्ष शुरू हुंदा शब्दां सिधांत दसण लगे ने गुरु अर्जन साहिब,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰੰਗ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਧਾਊਗਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਸਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਲਾਰੀ ਦਾ ਮਠ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਆ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਥਾਉ। ਦੈਤ ਦੇਵ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁੱਠੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਸ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਝੁੱਗੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ, ਛੋਰੇ ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਡੀਕਦਾ ਹੋਊ ਕਰਦੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਸਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਪਾਇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।